हेलो एवरीवन, सो दिस साइड कमल किशोर सैनी एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जेट राजस्थान एंड दिस इज जो कंडक्ट करती है दिस इज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। सो इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारी क्वारीज आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रही स्टूडेंट्स की। सो आई थिंक आई क्रिएट ए वीडियो रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस कॉलेज का और यार ये कितनी बड़ी कमिटी है और जो कि पिछले जमाने के अंदर जी रही है, पिछले पता नहीं कौन से सदकों के अंदर जी रही है और ये क्या सारा फॉर्म है इसका, क्या सारा प्रोसेस है इसके बारे में देख लेते हैं। यार हालांकि आई बिलोंग टू फ्रॉम राजस्थान एंड आई एम एज ए फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूई इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन विद, सो इसके रिगार्डिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी, जैसे कि ये लोग फॉर्म परेड करते हैं। हालांकि मैंने जो है अभी जो मेरे किसी कर्जन का मेरे को फॉर्म फिल करना था तो जो है मैंने ऑलरेडी 3 times पेमेंट कर चुका हूं मैं, यानी कि 3 बार जो है मेरा पेमेंट डेबिट हो चुका है। हालांकि आज जो है 18 तारीख है और इसकी जो कल 19 तारीख यानी कि कल लास्ट डेट है और जो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा था तो मैंने 3 बार पेमेंट कर चुका हूं, यानी कि 1750 1750 1750 1750, यानी कि टोटली तकरीबन जो है 5-6 हजार रुपए का मेरा पेमेंट जो है डेबिट हो चुका है और अभी भी मेरा जो फॉर्म है दिस इज नॉट सक्सेसफुल राइट। एंड फ्रॉम देम मैंने जो है डेबिट कार्ड से किया, मैंने यूपीआई से किया, मैंने पेमेंट पेटीएम से किया, तो तीनों के अंदर भी कोई सक्सेस नहीं हुआ, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट से जो है पैसे कट चुके हैं लेकिन फॉर्म को कुछ रिसीव नहीं हुआ, पेमेंट गेटवे ने जो है पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाया राइट। सो एक बड़ा अपडेट था कि ये लोग जो है ऐसे पेमेंट गेटवे रखते ही क्यों है, इस जमाने में इतने खतरनाक पेमेंट गेटवे आ चुके हैं। जेई मेन का पेमेंट गेटवे कभी फेलियर नहीं करता, अदर जो कॉलेजेस होते हैं उनका पेमेंट गेटवे कभी फेल नहीं होता, तो ये लोग जो है ऐसा पेमेंट गेटवे क्यों यूज करते हैं। अब मेरे पास पैसे थे तो मैंने जस्ट लाइक पेमेंट मान लो कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक एक जो है उनके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी वेरी इंपॉर्टेंट और अभी जो है ये पैसा ये कोई कहीं गया नहीं है, ये हालांकि 5-10 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास जो है एक फॉर्म का पैसा भी नहीं दे सकते तो क्या वो बार बार फेल होने के बाद फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपको क्या लगता है। और ये लोग जो है 500-500 रुपए इन्होंने जो है लगा रखा है कि लास्ट डेट होने पर हम 500 रुपए लेंगे राइट। तो तुम्हें पता भी है कितने बच्चों का पेमेंट फेल हुआ होगा और तुम लोगों के पास कितनी एप्लीकेशन फॉर्म आ रही होंगी। हालांकि ये तो एक छोटी सी है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं हम इनकी क्या क्या कर दूते और भी इनकी आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। सो जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं जेट एप्लीकेशन फॉर्म के राइट। सो जैसे ही आप इस पे आगे बढ़ेंगे जेट एप्लीकेशन फॉर्म के तो फिर से आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो है जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपके पास कुछ बुकलेट दी गई है जिसके अंदर कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है, देन फिर जो है आप कंटिन्यू करते हैं राइट। तो मैंने भी कंटिन्यू कर दिया अभी। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया फिर से मेरे को कुछ सिंपल कोर्सेस वगैरह बता रहे हैं ये लोग और बोल रहे हैं कि 1250 रुपये फीस है और SC ST वालों की 1050 रुपये फीस है, ठीक है। एंड देयर शैल बी नो बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस, वेरी नाइस। एंड द कैंडिडेट विल बी फॉर्म फिलिंग 15/5/2022 तक विदाउट फीस एंड 19 तक 500 रुपये लेट चार्ज लेंगे हम, ओके। एंड फिर से आपको एग्री करना है देन आप कंटिन्यू पर जा सकते हो। ओके, अब जो है आपको यहाँ पे कुछ जैसा कि आप देख सकते हो ये फॉर्म फिल करना है, दिस इज इट्स ओके। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि जस्ट आप फॉर्म फिल करते हैं देन जो है आपको अपना मोबाइल नंबर एंड जो है ईमेल आईडी दोनों के दोनों वेरीफाई करवाए जाते हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो हम अब चलते हैं कैंडिडेट लॉगिन के अंदर एंड जस्ट लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं इनका क्या सारा सीन रहा है अभी, ओके। एंड सो जस्ट लाइक जो है जैसा कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और जिसमें यहाँ पे जेड सेलेक्ट करूंगा देन जो कैप्चा फिल करूंगा 3 देन आई विल लॉग इन नाउ, ठीक है। सो यार ऊपर तो जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, दिस इज सम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको नहीं शो कर सकता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई है। अब आपको जो है फिल इसका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है अभी, ठीक है, चौथे टाइम हुआ है इसका पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि जो है 4 बार पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। 1750 को आप 4 बार से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो कितना पेमेंट आता है। फिर जो है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे हम फिल करते हैं तो अब हम आपको दिखाते हैं इनके कारनामे क्या हैं। ऊपर जस्ट लाइक पासवर्ड वगैरह थे, दिट्स ओके, देन हम नीचे बढ़ते हैं।
नीचे जाते हैं देन आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल रहे होंगे। हालांकि राजस्थान के अंदर कुछ ही एग्जाम सेंटर्स है, जैसे एक बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, उदयपुर में है। अब एक यार बड़ा अपडेट था रिगार्डिंग दस, एक एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में सीकर, और सीकर इज एन कोचिंग हब, जस्ट लाइक कोटा की तरह सीकर भी एक कोचिंग हब है। और कोटा के बाद अगर अपन एजुकेशन के नाम पे माने देन दिस इज सीकर, तो आई थिंक जो है सीकर को भी इनको अपडेट करना चाहिए था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स थे सीकर से जिनकी कंप्लेंट्स आई है कि भैया जो है एंट्रेंस एग्जाम सेंटर सीकर में भी करना चाहिए, अगर एनटीए के कितने सारे सेंटर्स हो चुके हैं अभी, तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी सेंटर्स रख रहे हैं। तो जेट एक राजस्थान का एग्रीकल्चर का हब है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो दिस इज एन, ये इनका कंसर्न है, ये करे ना करे इन फ्यूचर इट्स ओके। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो जस्ट लाइक सिंपल फॉर्म है उसमें कोई चक्कर नहीं है। एंड जस्ट लाइक एक ये इम्पोर्टेंट अपडेट था पेमेंट इन्फॉर्मेशन की, इन लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पेमेंट ले रखा है, फिर भी ये लोग जो है पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि भैया जो है तुम लोग जो है कैसे पेमेंट किया था तुमने। तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने डेबिट कार्ड से किया था। देन यहाँ पे ट्रांजेक्शन आई डी डालो, ट्रांजेक्शन आई डी डालने के बाद बैंक नाम भी डालो, ठीक है डाल दिया। अब ये क्या सिस्टम है, अपने क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के कौन नंबर देगा तुमको, ये क्या सिस्टम है, ये है व्हाट इज दिस, और ऐसे कौन डिटेल मांगता है तुम्हारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की कि तुमने कितना तुम्हारा लास्ट डिजिट है, कितना तुम्हारा फर्स्ट डिजिट है, दिस इज वेरी बैड, ठीक है। और ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, जस्ट लाइक यूपीआई से पेमेंट किया इट्स ओके। और यार जस्ट लाइक पेमेंट सारे लोग करते हैं, तो इसमें क्या चक्कर है कि तुम ये ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, तुम क्या सीन है इनका, ठीक है। एंड दिस अब जो है इन लोगों ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे की है, क्या की है कि भाई जस्ट अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो एक ऑप्शन तुमको ये तो रखना चाहिए था ना राजस्थान वालों, मई के अंदर तो एग्जाम खत्म हुई है अभी, पता नहीं ये गवर्नमेंट वालों के दिमाग खास हो रहे हैं, ये सस्ते नशे करके अप्लीकेशन फॉर्म बनाने बैठते हैं। इनके कोडर आईआईटी बॉम्बे से हायर किया करो, मेरे को ईमेल डाल दिए ना, ठीक है आईआईटी बॉम्बे से भेज दूंगा, हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बंदे भी बना देते हैं ऐसे अप्लीकेशन फॉर्म। तो वहां पे जो है एक तुमको यहाँ पे ये फॉर्म डालने का था, एक और कॉलम बनाने का था, एक अपियरिंग और एक पासिंग, ठीक है दो ऑप्शन और लगा दिया करो राइट। अब जिन बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे कार्ड डाले हमारे तो रिजल्ट आया ही नहीं है, कौन से परसेंटेज डाले, 0-0 डालने क्या, तो एक यहाँ पे डाल भी सकते थे ना, जस्ट लाइक जो भी तो है तुम्हारे कोटर को बताना ये बात कि जस्ट यहाँ पे पासिंग और रिजल्ट वाला भी डाल दे, जिससे कि जो है स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो पढ़ने के अंदर, ठीक है। देन अब तुमको ये कौन समझाए बेशर्मों लोगों, थंबनेल इस जमाने में कौन लेता है भाई, आधार कार्ड ले लो तुम, आधार ले लो, आईरिस ले लो, फिंगरप्रिंट, थंबनेल की फोटो कौन लेता है इस जमाने के अंदर, देखा है कभी थंबनेल लेते हुए। लेकिन ये क्या है कि राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंट चल रही है अभी, 39 डेट के अंदर चल रही है ना, तुमको जैसे पाकिस्तान की तरह उनको बर्बाद करके रखना है एकदम, पाकिस्तान की तरह उसको जीरो ले जाओ और माइनस में डाल दो, और पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी के अंदर आगे तो बढ़ना है नहीं हमें, ठीक है। तो जस्ट पीछे के जमाने में चले जाओ भैया, अंगूठा लगाओ यहाँ पे फिर से राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर पता नहीं कितने कितने जो है अनपढ़ लोग, गवार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं, फिर भी कभी भी सुधरने वालों में नहीं हो तुम। क्या करेंगे ये लोग, थंबनेल डालो यहाँ पे। अब थंबनेल का क्या करेंगे, एनटीए ने कभी थंबनेल लिया है, देश की जो टॉप जो कंपनी जो होती है या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो कभी थंबनेल लेते हैं कि भैया अंगूठा लगा यहाँ पे, तुमको सिग्नेचर विग्नेचर तो कुछ आता नहीं है, अंगूठा लगा दे, ठप्पा लगा दिया, बाय बाय टाटा राइट। तो यार दिस इज वेरी बैड, और उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है बहुत ही गलत है, और आई थिंक आई डिससेटिस्फाइड रिगार्डिंग दिस, जिन्होंने भी ये क्रिएट किया है या फिर जो भी इनकी सपोर्ट टीम है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया है इसके रिगार्डिंग, अगर आपका पेमेंट 10-15 बार भी फेल होता है तो उनको जैसा आप डालिए। और यार इन लोगों ने जो है पेमेंट भी बच्चों से बहुत गलत लिया है, क्योंकि इन लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारा पेमेंट पोर्टल वर्क ही नहीं कर रहा, जिन स्टूडेंट्स के पास पैसा ही नहीं है, अगर उसने 14 को पेमेंट किया था और अगर मान लो पैसा उसका कट गया, उसके पास पैसा था नहीं, तो 500 रुपए तुमने उसके और जोड़ दिए कि भैया एक्स्ट्रा दे दे मुझे, तो दिस इज वेरी बैड, ठीक है। और तुम लोगों ने ऐसा सोचना चाहिए और अपने पेमेंट गेटवे को सही कराइए तुम लोग, हर बात स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि भैया पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और ये तुम जो आईसीआईसी वाला का जो यूज करते हो ना, दिस इज वेरी बैड, ठीक है। तो अच्छी कंडीशंस लगाओ,
और हमारे जो राजस्थान है उसकी 39% डेट जीडीपी चल रही है, एंड जो है पाकिस्तान की 53 चल रही है, और पंजाब की 56 चल रही है, और पाकिस्तान की 79 चल रही है। और श्रीलंका की तरह हमें पाकिस्तान जो है राजस्थान को डुबाना नहीं है। राजस्थान की एक ऑल ओवर द इंडिया के अंदर अच्छी इमेज है, तो प्लीज उसको अच्छी ही रहने दो। मारवाड़ी लोगों की वजह से ही चल रहा है ये।